आज मैं आपको लेके आ गया हूँ गुड़गांव की छोटी सी दुकान पे, जहां पे मिलती है राजस्थान स्टाइल कड़ी कचौड़ी, साथ में मिलते हैं समोसे, ब्रेड पकोड़े और जलेबी। तो आइए आपको इनकी शॉप पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कड़ी कचौड़ी को कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले अपन क्या है कि कचौड़ी के लिए अपन मैदा लगाते हैं। मैदा लगाने के बाद में इसके अंदर अपन मोइल डाला जाता है। फिर मोइल डालने के बाद में फिर इसको पानी डाल के इसको अपन तैयार करते हैं। इसके अंदर नमक भी डाला जाता है। फिर ये इसकी क्वांटिटी के अनुसार अपन इसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद ऐसे ऐसे तैयार हो जाएगा। ऐसे तैयार होने के बाद में फिर अपन ये मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के बाद में आपको मैं अभी कचौड़ी भरना सिखा रहा हूँ। प्रेजेंट के अंदर मैं आपको कचौड़ी भरने का ही वर्क कर रहा हूँ। फिर काफ़ी दिनों से दुकान चल रही है इधर गुड़गांव के अंदर, और इधर हम कचौड़ी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, जलेबी भी अपना कार्य है जलेबी बनाने का भी। ये मसाला भर रहा हूँ, कचौड़ी का मसाला भर के फिर अपन को इसको बंद कर। इस मसाले में क्या क्या रहता है? इसके अंदर मूंग की दाल होती है, नमक मिर्ची, सौंफ, धनिया। अच्छा, इसके अंदर हींग का तड़का दिया जाता है। और एग्जाम्पल मैंने ये पेज बनाया। फाइनली ये लगने जा रही है अपने लिए राजस्थानी स्पेशल कड़ी कचौड़ी। और ये देखो एकदम करारी सी कचौड़ी आ गई है, एकदम खस्ता। और साइज देखो एक बारी, कितना बढ़िया साइज है कचौड़ी का। फुल ऑन पैसा वसूल मील है। कभी भी यहाँ पे आओ तो ये इनकी कड़ी जरूर ट्राई करें। एकदम जैसे कहते हैं ना, खट्टी और ज़बरदस्त कड़ी है इनकी ये। और फाइनली जो अपनी कड़ी कचौड़ी है वो तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर आएगी इनकी चटनी। दो तरीके की चटनी जाती है, ये आ गई हरी वाली चटनी, साथ में एक और जाएगी ये वाली लाल वाली चटनी। और ऊपर से आएंगे थोड़ा सा प्याज का क्रंच और ये हल्का सा इनका मसाला। फिर इसका प्राइस क्या रहता है? 30 रुपए। 30 रुपए सिंगल? और डबल फुल प्लेट लेनी हो? ये अच्छा, एक ही है 30 रुपए। ठीक है, गाइस फाइनली अपनी जो कचौड़ी है वो लग चुकी है। दिल्ली की सर्दी में ना अगर आपको ऐसी कचौड़ी मिल जाए, सैनी चाट भंडार पे अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ पे इनकी राजस्थान की स्पेशल कचौड़ी मिलती है कड़ी के साथ, तो आइए फटाफट से जायके का आनंद लेते हैं, जल्दी से टेस्ट करते हैं इसको। एक बाइट और बनाते हैं भाई, मज़ा आ गया यार। फाइनली मैंने इनकी कचौड़ी ट्राई करी, बहुत ही शानदार कचौड़ी है। अगर आप सुबह नाश्ते में कुछ अलग सी चीज़ ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आके इनका मज़ा उठा सकते हो इस कचौड़ी का। साथ में समोसे रहते हैं, ब्रेड पकोड़े रहते हैं। बाकी प्राइस की बात करूँ तो सिर्फ 30 रुपये के अंदर अद्भुत जायका है। राजस्थान का पूरा टेस्ट मिलेगा आपको इसके अंदर। खट्टी सी कड़ी है, साथ में खस्ता सी कचौड़ी है। मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मील है। आइए ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ का स्वाद कैसा लगा। एक बाइट लेता हूँ जलेबी की। मज़ा आ गया।